गेहूं खरीदी केंद्र में हो रही समस्याओं को लेकर एसडीएम का बड़ा बयान, किसानों को नहीं होगी गेहूं खरीदने में समस्या, जल्द से जल्द किया जाएगा निराकरण। गेहूं खरीदी केंद्र करहिया में आ रही समस्याओं के संबंध में एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने खरीदी केंद्र का दौरा करते हुए समस्याओं का जायजा लिया है। साथ ही कहा कि कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद धारा 144 लगाई गई थी, जिसके बाद से यहां सब्जी मंडी बंद कर दी गई थी। वहीं गेहूं खरीदी केंद्र के संचालक के संबंध में बात करते हुए उन्होंने बताया कि खरीदी केंद्र के दूसरे गेट से किसानों की फसलों की खरीदी का काम लगातार जारी है। वहीं समस्याओं को लेकर एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की कमी के चलते कुछ दिक्कतें हुई थी, जिन्हें जल्द दूर करते हुए खरीदी का काम तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही किसानों को खाने पीने के लिए कैंटीन भी पुनः जल्द शुरू करने का काम जारी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। रात भर मच्छर खाई नहीं तो यहीं से इन्हें सो रहे हैं दिन के, मतलब नंबर दो दिन बाद आता है। जी हाँ, नंबर दो दिन बाद ये सो रहे हैं अभी दिन में। अब क्या करें, इनका नंबर अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। क्या नाम है आपका? हमारा भोला प्रसाद चौधरी। कहाँ से आए आप? बासी। आपका नंबर आ गया? जी हाँ, खुल गया है अभी। चल रही है, इसमें क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है कि दिन नंबर आवत, नंबर दो दिन में आवत है। दो दिन लग जाते हैं। और किसान यहाँ गल्ला ला के माल ला के यहाँ पड़े रहते हैं। कितने दिन से आए हैं आप यहाँ पर गेहूँ लेने? दो दिन। अभी तक आपका नंबर नहीं लगा? लग गया नंबर, दो दिन में लगा, 48 घंटे बाद। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह तिवारी। क्या नाम है? मुनिराज सिंह। कहाँ से आए हैं? ग्राम तमरा से। गेहूँ खरीदी केंद्र चालू है, क्या आपको समस्या हो रही है? अभी फिलहाल तो नहीं हुई है, कल हालांकि लाए थे तो आज नंबर लगा। कल नंबर लगा तो आज? मुझे नंबर तो आज ही लगा, आया तो कल था। कल भी एक टाली तौल लग गई थी और दो टाली आज लगेगी, लगा है नंबर। व्यवस्था ठीक चल रही है? व्यवस्था लगभग ठीक ही है, क्या भीड़ भाड़ तो है ही है, बाकी व्यवस्था ठीक ही है। अचानक भीड़ बढ़ गई किस कारण? मौसम के कारण भीड़ बढ़ गई। मौसम मतलब पानी भी गिरने लगा है? जी जी। रावत खैरा से आते हैं। क्या समस्या? समस्या ये है कि लेबर आती है मेरे पास खैरा के, आते हैं तो बीच में कोई पुलिस वाले परेशान करने लगते, भाई तीन तीन आदमी क्यों आते हो यहाँ की किसान, लेबर बिना लेबर नहीं आती तौलाई नहीं होती, चार चार दिन परे रहते हैं, कोई को मच्छर खा रहा, कोई कुछ भी खा रहे, खाने कोई व्यवस्था तो है नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। एक कंटीन है तो उसमें मिलता है, कभी नहीं मिलता है तो वही लेट हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई आप लोगों को पूछने आया या नहीं आया? हाँ, कोई पूछने अभी नहीं पूछे, काम चालू है। दे गुरु हैं आपने तो चालू कहे हैं बस। क्या नाम है? करण कुमार रावत। जयपाल यादव। किस तरह की समस्या गेहूँ खरीदी में आ रही है? जो वहाँ से चलते हैं घर से, जब समस्या शुरू हो जाती है, जब आदमी यहाँ पहुँचने को सिटी जैसे घुसने लगता है तभी से पुलिस परेशान करने लगती है, उसके बाद किसी तरह आदमी खींच तान के यहाँ जब आता है तो यहाँ भारी समस्या होती है, तुलाई की समस्या होती है, पानी नहीं मिलता आदमी को पीने के लिए, खाने के लिए परेशानी होती है, आदमी भूखा पड़ा रहता है किसान यहाँ। पता चला दो दिन तीन दिन में नंबर आ रहा है? हाँ सही बात है, दो दिन तीन दिन में नंबर आता है, अब क्या करें, कभी बार दाने की कमी हो जाती है। सरकार का कोई अधिकारी यहाँ पर देखने के लिए अभी आया, अभी तक आया? नहीं, कोई नहीं आता है, कोई अधिकारी अभी तक नहीं है, कोई माई बाप नहीं है यहाँ। कैंटीन नहीं खुलती खाने पीने? हाँ कुछ नहीं खुलती है। समोसा मिलता है? अरे कुछ नहीं मिलता, समोसा वोसा कुछ भी नहीं मिलता यहाँ। करहिया मंडी में गेहूँ खरीदी केंद्र चालू है, किसानों को कुछ समस्याएं हो रही है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? जी देखिए, करहिया मंडी में गेहूँ खरीदी केंद्र और सब्जी मंडी दोनों ही था, लेकिन फिर कलेक्टर महोदय के आदेश की 144 के बाद से सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया। लेकिन गेहूँ खरीदी वाला केंद्र संचालित, गेहूँ खरीदी केंद्र का जो दूसरा गेट है उससे पूरी खरीदी का कार्य किया जा रहा है। अभी ये संज्ञान में आ रहा है कि संभवतः लॉकडाउन के प्रभाव के कारण वहाँ लेबर वगैरह नहीं पहुँच पा रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत दूसरे तरह की समस्या वहाँ की कैंटीन भी, क्योंकि पूरा मंडी बंद हो गई, जब मंडी का मुख्य वजह वो सब्जी मंडी थी, तो कैंटीन भी शायद ऐसा सूचना मिली है कि बंद है, तो
तो वो कैंटीन किसानों के लिए पानी, चाय वगैरह ये सब चीज़ें और बुनियादी सुविधाएं कैंटीन से उपलब्ध होती हैं। तो कैंटीन हम लोग आज से बात करके चालू करा रहे हैं और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो कृषक वहाँ बेचने आए हैं उनका समय से तुलाई हो जाए, समय से खरीदी हो जाए। ये भी सामने आया था कि वहाँ से गेहूँ का उठाव जल्दी जल्दी कराना, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और कुछ यदि लेबर वगैरह की दिक्कत आ रही है तो उसका भी समाधान करके और बेहतर ढंग से गेहूँ खरीदी किया जा सके उसके लिए। मौसम है जी जी, वर्षा के मौसम के संबंध में मैंने कल खुद ही वहाँ पर निरीक्षण किया था और वहाँ उनको तिरपाल और बाकी सब व्यवस्थाओं के लिए मैंने बताया है और साथ में जो जल्दी जल्दी हम उठाव करके और पूरा गेहूँ क्लियर करा रहे ताकि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।